नमस्कार फुलकुमारी दीदी। नमस्कार बच्चों। वाह, आज तो तुमने मुझसे पहले ही नमस्कार कर दिया। बड़े उत्सुक नजर आ रहे हो आप सब। हाँ दीदी, क्योंकि हमें पता है कि आज आप हमसे पहेलियाँ पूछेंगी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो सीधे पहेलियों पर ही आते हैं। शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू कीजिए, पूछिए। तो तुम्हारी पहली पहेली है, एक दोस्त शैतान, चढ़े नाक पर पकड़े कान, बूझो कौन है ये। फिर सुनना चाहोगे? ध्यान से सुनना इस बार। एक दोस्त शैतान, चढ़े नाक पर पकड़े कान, बूझो। सोचो सोचो, इतना भी कठिन नहीं है बच्चों। मुझे आ गया दीदी, ये है चश्मा। अरे वाह, बड़ा जल्दी आ गया। हाँ, चश्मे का मध्य हिस्सा हमेशा हमारी नाक पे रहता है, यानी नाक पर बैठा हुआ, और उसे गिरने से रोकने के लिए उसकी दोनों तनियाँ हमारे कानों के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं, यानी कान को पकड़े हुए। बिल्कुल ठीक। पर अब लगता है मुझे अगली पहेली की कठिनाई थोड़ी बढ़ानी होगी। ये तो बड़ी जल्दी बूझ लिया आपने। हम तो एकदम तैयार हैं दीदी, आप पूछिए तो सही। अच्छा, ये बात है, तो सुनो। ये वाली पहेली बीरबल ने अकबर से पूछी थी। कहे पहेली बीरबल, अकबर दियो सुनाए, पक्का चलता बहुत दिन, पर बिना पके गर जाए। हैं? अरे बाबा, ये तो काफी कठिन नजर आ रही है। दोबारा सुनाऊं? हाँ दीदी, एक बार फिर सुनाइए। कही पहेली बीरबल, अकबर दियो सुनाए, पक्का चलता बहुत दिन, बिना पके गर जाए। यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसको पकाने से वह बहुत दिनों तक चलती है, पर उसे ना पकाया जाए तो वह खुद ही नष्ट हो जाती है। अच्छा, सोचने दीजिए दीदी। हाँ हाँ, सोचो सोचो। समय समाप्त। उत्तर बुझा पाए? नहीं दीदी। इस पहेली का उत्तर है मिट्टी का घड़ा। हैं? कैसे? बताती हूँ। हम मिट्टी के घड़े में पानी डालते हैं कि नहीं? हाँ डालते हैं। और मिट्टी के घड़ों को मजबूत करने के लिए उन्हें पकाना पड़ता है ना? हाँ। और अगर बिना पकाए उस घड़े में, जो खुद ही मिट्टी का बना है, पानी भर देंगे तो क्या होगा? वह कीचड़ बन जाएगा और क्या। बिल्कुल। तो समझ गए उत्तर? हाँ दीदी, समझ गए। घड़े में पका कर पानी भरते हैं तो कई दिन चलता है, और बिना पकाए वो खुद ही कीचड़ में मिल जाता है। बिल्कुल ठीक। कितना सरल लग रहा है उत्तर सुनने के बाद। यही तो होती है पहेलियों की खास बात। उत्तर हमारे सामने ही होता है, पर हम उसे कभी कभी देख नहीं पाते हैं। ये पहेलियाँ तो बड़ी मजेदार थी दीदी। अब हम अपने मित्रों से भी पूछेंगे। हाँ पूछो, और उन्हें उलझाओ और सुलझाने का मजा लो। हाँ फूलकुमारी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया बच्चों। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अलविदा दीदी।